हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं हुवाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर और यहाँ पे क्लास सिक्स से क्लास एट के सारे टीचर्स आपके साथ हैं सो so दैट आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ वीडियोस सारे बन चुके हैं आपका कंटेंट आपका जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यू नो यू हैव टू वॉश दीज वीडियोज प्रिपेयर वेल well, और उसके बाद एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे नाउ ऑन दिस पॉजिटिव नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट जो सेवेंथ यूनिट की हमारी पोम है क्लास एट्थ इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर बुक की द नेम ऑफ द पोम इज़ होप इज़ द थिंग विद फैदर्स होप एक ऐसी चीज़ है जिसमें पंख लगे हुए होते हैं होप मतलब उम्मीद उम्मीद आशा जिसमें वाकई पंख लगे होते हैं क्योंकि वेन देर इज होप यू कैन अचीव एवरी थिंग अगर आपके अंदर आशा है किसी चीज को करने की अगर आपके अंदर उम्मीद है तो क्या होगा आप उस जगह तक पहुंच पाओगे लेकिन ना उम्मीद रहोगे अगर होपलेस रहोगे तो फिर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं बचेगा सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस वंडरफुल वोम रिटर्न बाय एमिली डिकन सो बिफोर वी स्टार्ट दिस पोम पहले हम एमिली के बारे में कुछ पढ़ेंगे एमिली डिकनसन के बारे में कुछ पढ़ेंगे उसके बाद वी विल स्टार्ट विद पोम ओके सो हियर एमिली एलिजाबेथ एलिजैथ जिकनसन वॉज एन अमेरिकन पोइट ये एक अमेरिकन पोइट थी शी वॉज अ प्रोलिफिक पोइट बट लेस देन अ डजन ऑफ हर नियरली एटीन हंड्रेड पोम्स वो पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम वो एक बहुत ही बेहतरीन पोइट थी लेकिन उन्होंने एटीन हंड्रेड जो पोम्स लिखी उसमें से ट्वेल्व से भी जो कम पोम्स थी वो पब्लिश हुई वेन शी वॉज अ

जहा पे आप मैन मोर्टल है मतलब जो अमर नहीं होता क्यों इमोर्टलिटी मतलब जो अमर होना कि आप कभी भी नहीं मरोगे ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पोम होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट पोचेस इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल सर होप इज़ द थिंग विद फैदर्स यहाँ पर जो हमारी पोइट हैं वो होप को मेटाफोरिकली एक बर्ड से कंपेयर कर रही हैं एक ऐसी चीज़ से कंपेयर कर रही हैं जिनके फेदर्स हैं तो बेसिकली होप जो है वो एक एब्सट्रैक्ट वो एक आइडिया है लेकिन इसको वो यहाँ पर एनिमेट कर रही हैं इसको वो एक लिविंग बींग से कंपेयर कर रही हैं दैट परचेज इन दोल पर्चिस मतलब वो कहाँ आके बैठती है होप कहाँ होती है हमारी सोल में होती है एंड सिंग्स द ट्यून द वर्ड्स और ये जो है ये एक जैसे चिड़िया जो होती है वो सिंग करती है तो ये भी होप जो है ये एक की तरह है जो सिंग करती है बट विदाउट वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप एट ऑल होप एक ऐसी बर्ड है जो हमेशा एक पॉजिटिव सॉन्ग गाती रहती है गाती रहती है गाती रहती है इट नेवर स्टॉप्स इट ओनली स्टॉप्स वेन यू आर नॉट एबल टू हेयर इट कब जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो डिमोटिवेट हो जाते हो तो होप आपको जो है ना इट्स लाइक अ वर्ड विच इज ऑलवेज अराउंड जस्ट हैव टू फाइंड इट सो यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं एमिली डिकन्सन रीडिफाइन्स होप इन दिस पोम एमिली डिकन्सन ने इस पोम में होप को एक अलग तरीके से डिफाइन किया है

hope is humanized in this section of the poem it is compared to a bird singing continuously in man's mind hope ko kis cheez se compare kiya gaya hai ek bird se compare kiya gaya hai jo ki man ke mind mein uske soul mein continuously sing kar rahi hai it is a typical song in which words are absent ये एक ऐसा song है जिसमें कोई words नहीं है Moreover, the song of the bird seems to have no end. एंड और ये एक ऐसा सॉन्ग है जो कभी खत्म नहीं होता इट हैज नो end let's move to the next stanza and sweetest in the gale is heard and soul must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm and sweetest in the gale is heard and sweetest in the gale gale is a storm at sea तो यहाँ पे वो बोल रही हैं कि इसको जो है आप स्टॉम जो होता है उसमें भी इसकी आवाज़ आ रही होती है एंड सोल मस्ट बी द स्टॉम लेकिन वो स्टॉम अगर बहुत ही ज़्यादा हार्श है या टेरिबल है दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड मतलब वो उस लिटिल बर्ड को उस होप को डिस्ट्रॉय कर देता है डिस्टर्ब कर देता है अपसेट कर देता है मतलब जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है विच इज़ कम्पेयर्ड हेअर विद अ स्टॉम जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो क्या होता है हमारे अंदर की होप जो होती है वो कहीं चली जाती है हम होपलेस हो जाते हैं हम डीमोटिवेट हो, है, हो जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं सो अगर स्टॉम जो है बहुत ज़्यादा शोर है बहुत ज़्यादा टेरेबल है तो यही आवाज़ जो होती है ना जिसने ये होप ये बर्ड जिसने कितने लोगों को वॉम रखा है कितने लोगों को उसने जो है एक आ, नया एक नया वर्ल्ड दिया है नई अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं वही वर्ड जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है सो लेट्स सी द मीनिंग द सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड सूद द माइंड एंड क्राइसिस जब आप बहुत परेशान होते हो आपके पास अगर होप है उसका अगर साउंड है तो ये क्या करता है आपको कम डाउन करता है मोर ओवर दिस मेलोडियस सॉन्ग प्रिपेयर्स अ पर्सन टू एनकाउंटर द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन ऑफ लाइफ मोर ओवर ये जो मेलोडियस सॉन्ग है जो ये बर्ड uh, ये जो होप के नाम की जो बर्ड है जो कंटिन्यूसली गा रही होती है ये आपकी लाइफ के स्ट्रेस को रिमूव कर देता है ओनली द मोस्ट वायलेंट स्टॉम कैन प्रिवेंट द स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड फ्रॉम बींग हर्ड लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट स्टॉम है मतलब बहुत ही बहुत ही बुरी परेशानी कोई है तभी आप इस स्वीटेस्ट बर्ड की जो ये जो बर्ड की जो स्वीटेस्ट सॉन्ग है इसको नहीं सुन पाते इट कैन बी साइलेंस बाय द नेचुरल फ्यूरी ओनली और इसको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फ्यूरी मतलब जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसको आप जो विच इज़ बियॉन्ड योर हैंड सिर्फ तभी ये जो बर्ड है उसका उसकी जो स्वीट सॉन्ग है वो आपको सुनाई देना बंद हो जाता है इट मीन्स दैट होप कैन बी फ्रस्ट्रेटेड बाय द सोरेस मिसफॉर्च्यून इसका मतलब होप जो है वो जा सकती है मतलब इट कैन जस्ट गो आउट ऑफ योर लाइफ अगर आपकी लाइफ में कोई टेरीबल मिसफॉर्च्यून हुआ है

And on the strangest sea, yet never in extremity, it asked a crumb of me. होप यहाँ पे होप क्या है होप इज अ फीलिंग तो वहां वो बोल रहा है कि मैं जो हूँ किसी भी जगह चले जाऊं ये मेरे साथ होती है मतलब अगर मैं चिलिस लैंड में ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं स्ट्रेंजस्ट ऑफ द सी में हूँ मतलब मैं इस दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाऊं येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी मतलब एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टाइम में भी इस बर्ड ने मुझसे कोई क्रम नहीं मांगा इट इज़ नेवर आस्ट मी टू गिव इट एनी ये सिर्फ देने का काम करती है लेने का कोई काम नहीं करती The speaker finds no problem in identifying the place where he had heard the song in the past. वो जहां पे भी जाता ही हैड हर्ड द सॉन्ग इन द आईसी कोल्ड रीजन एंड ऑन द मिस्टीरियस सीज मतलब जब वो एक आईसी कोल्ड रीजन में चला जाता है वहां पे भी उसके साथ होप होती है जब वो एक मिस्टीरियस सी में जहां चला जाता है जहां वो फंस गया है वहां पे भी उसके पास ये बर्ड होप की होती है इट स्टूड बाय हिम सो थिक एंड थिन टू फेस मैनी ऑर्स इन हिज लाइफ वो हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है द पोएट प्लेस द बर्ड फॉर इट्स सेल्फलेस सपोर्ट

द स्पीकर डिफाइंस होप एज अ फेदर्ड क्रिएचर दैट डवेल्स इनसाइड द ह्यूमन स्पिरिट स्पीकर जो है होप को एक फेदर्ड क्रिएचर की तरह डिफाइन कर रहा है जो कि ह्यूमन स्पिरिट के अंदर होती है ह्यूमन सोल के अंदर होती है दिस फेदरी थिंग सिंग्स अ वर्डलेस ट्यून नॉट स्टॉपिंग अंडर एनी सर्कम्स्टेंस और ये जो फेदरी थिंग है ये जो बर्ड है ये एक विदाउट वर्ड का सॉन्ग गा रही है जो किसी भी सर्कम्स्टेंस में रुकता नहीं है इट्स ट्यून साउंड बेस्ट वेन हर्ड इन फ्यर्स विंडस और उसको सबसे ज़्यादा उसकी आवाज़ कब आती है जब आप मुश्किल में होते हो तभी आपको होप आती है फियर्स विंडस के बीच में आपको ये होप आती है इसकी आवाज़ सुनाई देती है ओनली एन इनक्रेडिबली सीवियर टॉर्म कोड स्टॉप दिस वर्ड फ्रॉम सिंगिंग अगर कोई इनक्रेडिबली सीवियस टॉर्म आया है वेयर यू हैव इधर लॉस्ट योअर लाइफ और वेयर यू हैव सीन पीपल लूजिंग दर लाइफ वहीं पर जाके इसकी आवाज़ सुनना कम हो जाती है

स्पीकर so, ने इस बर्ड की आवाज को मतलब स्पीकर ने देखा है कि ये जो बर्ड है वो हमेशा उसके पास होती है चाहे वो कोल्डेस्ट ऑफ द रीजन में चले जाए या याजेस्ट सी uh, में चले जाए मतलब वो किसी भी जगह पहुंच जाए ये बर्ड उसके साथ हमेशा रहती है स्टिल इट हैज नेवर एवर डिमांडेड एनीथिंग इन रिटर्न So this was the summary of this poem, now let's quickly have a look at the various poetic or literary devices that have been used in the poem. The first is alliteration, alliteration kya hota hai, jahan pe ek line mein same consonant sound jo hota hai, wo repeat hota hai, jaise you know it refers to the repetition of the same consonant sound occurring close together in a row to create musical effect, for example we have heard it in the chillest land. we have heard So, here sound, her repeat huda where this sound has created a musical quality in the line. we have heard. so her ka sound repeat huda the next is consonants. what is consonance? consonance, matlab kya hota hai? consonance is the repetition of consonant sounds such as the sound of the, like the tune without the words. ट्यून रहा है नाउ दिस इज नॉट हैज़ टू स्टार्ट विद द लेटर नहीं यहाँ पे हम सिर्फ साउंड की बात हैं जैसे ब का साउंड रिपीट हो रहा है इन बिटवीन लाइक यू नो ट्यून म्यून क्यून तो यहाँ पे ऊन का साउंड रिपीट हो रहा है इस तरीके से सो द का साउंड जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये जो है ये कॉन्सुनेंस है सिमिलरलीट कूड अबेट द लिटिल बर्ड अगेन यहाँ पे द का साउंड रिपीट हो रहा है तो ये क्या है कॉन्सोनेंस एसोनेंस होता है जहां वोविल का साउंड रिपीट हो रहा है सो एसोनेस इज द रिपीटेशन ऑफ द वोविल साउंड इन द सेम लाइन सच एस आई हैव हर्ड इट इन द चिल्स लैंड आई हैव हर्ड इट इन द चिल्स लैंड इन द चिल्स लैंड सो यहाँ पे आई का साउंड रिपीट हो रहा है एंड इट इन चिलिस्ट ई का साउंड हो रहा है आई हैव हर्ड इट इन चिलिस्ट तो यहाँ पे जो ई e का साउंड बाबा रिपीट हो रहा है इसे हम कॉन्सोनेंस कहते, कहते हैं सॉरी एसोनेस कहते हैं देन वी हैव मेटोफो अब हमें यह पता है इस पोम में इस पूरी पोम में होप को मेटोफोरिकली एक बर्ड से कंपेयर किया गया है सो देर इज वन एक्सटेंडेड मेटोफोर इन द पोम डिकिंसन हैज कम्पेयर होप विथ फेदर्स अ बर्ड विथ शोज हाउ इट सिंग्स एंड गिवस करेज टू द स्पिरिट ऑफ अ पर्सन कि किस तरीके से वो गा के एक

कंसिडर्स होपिंग अ प्रीचर होप जो है वो एक प्रीचर दैट कीप्स ऑन प्रीचिंग एंड नेवर स्टॉप तो यहाँ पे होपिंग नहीं है होप होप एक बर्ड की तरह उसने किया है जो प्रीच कर रही है और कभी स्टॉप नहीं हो रही है इट्स सिंग्स इट्स साइलेंट सॉन्ग इन द दार्ट ऑफ द मैन टू फिल फिल्म विद स्पिरिचुअल पावर इन अदर वर्ड शी हैज हैजोनिफाइड होप इन दिस पोम सो जो डिकनसन है हमारी पोएट उसने यहाँ पे होप को परसोनिफाई किया है होप जो है जैसे होप गा रही है होप जो है यू नो इट इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग तो होप को उसने पर किया है एंड द नेक्स्ट वन इज इमेजरी इमेजरी क्या होती है पोइट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसकी वजह से आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो या फील कर सकते हो सेंस कर सकते हो उसके साउंड इफेक्ट्स को जो है अज्यूम कर सकते हो इमेजरी इज यूज टू मेक द रीडर्स परसीव थिंग्स टू फाइव सेंसेस हमारे जो फाइव सेंसेस से अगर हम उस चीज़ को परसीव कर पाते हैं उसे इमेजरी कहते हैं इट हेल्प्स एम टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर ऑफ़ द ऑब्जेक्ट्स डिस्क्राइब्ड तो यहाँ पर क्या होता है वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है उसके एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करने में हेल्प करता है The poet has used images for the senses of sight such as bird, feathers, storm, land or sea. इन सारी चीजों को आप imagine कर सकते हो. Storm आ रहा है तो आप imagine कर सकते हो. Land को imagine कर सकते हो. Hope को एक as a bird imagine कर सकते हो with feathers. तो ये सारी चीजें imagery में आ जाती हैं. And the last one is symbolism. यहाँ पे symbolism हैं जहाँ पे Emily has used many symbols to show the powerful impact of hope in our lives. चिले सी स्टॉम ये सब किस चीज़ को सिंबलाइज़ करते हैं हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स को सिंबलाइज़ करते हैं वेन होप इज़ स्टिल देर जब हमारी लाइफ में बहुत गंदा स्ट्रगल आ जाता है कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है लेकिन फिर भी हमारे अंदर होप होती है दैट येस वी विल फाइंड आउट अ वे टू जस्ट गेट बेटर so that is symbolism so these were the poetic devices used in this particular poem so here we are done with the understanding of the poem explanations summary and poetic devices now in our next वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोम आई होप यू अंडरस्टड इट इट वॉज वेरी सिंपल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी एंड वेयर कैन यू फाइंड ऑल दिस वीडियोज़ जैसे आपको इसके प्रीवियस वीडियो चाहिए पहले का चैप्टर का या बाद का सो यू हैव टू जस्ट विजिट आर वेबसाइट मैगन प्रिंस डॉट कॉम जहाँ पे आपको क्या करना है आपके पास पूरी क्लासेस मैंशनड है आप क्लास पे क्लिक करोगे जैसे ही क्लास पे क्लिक करोगे सब्जेक्ट्स अपेयर होंगे सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे टॉपिक्स आएंगे टॉपिक पे क्लिक करोगे एंड देन योर वीडियो विल स्टार्ट राइट सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बींग विद मी आई होप यू इंजॉय द वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द चैप्टर इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स डिन नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर बाय